हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम फिटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूपी आरवीएनएल का जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उनकी मैं बात करने वाला हूं। आज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूं। अगर आपको यूपी आरवीएनएल पास करना है तो आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर होने ही चाहिए, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इसरो का एग्ज़ाम देंगे तो इसरो एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जो लेते हैं वो लेते हैं परिचय और सुरक्षा, यानी कि इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। यानी कि आप जिस ट्रेड से हैं, आप फिटर ट्रेड से हैं, तो आपको फिटर ट्रेड का परिचय पूरा याद होना चाहिए। फिटर क्या काम करता है, फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। और सुरक्षा, जब आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ उस पर रखनी चाहिए किसी भी मशीन पर काम करते समय। इसके बाद दोस्तों बात आती है माप और माप लेने वाले औजार। तो दोस्तों मेजरिंग और मेजरिंग टूल्स जो हैं उन सब के बारे में आपको पूरा कंप्लीट स्टडी करना है। माप लेने वाले औजार जो भी हैं, जैसे माइक्रोमीटर हो गया आपका, वर्नियर कैलिपर्स हो गए आदि, सबके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। माप कितने होते हैं और दोनों पद्धतियाँ ब्रिटिश एंड मेट्रिक पद्धतियों सब में आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों मार्किंग और मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स जैसे कि मार्किंग करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो मार्किंग टूल्स कहलाते हैं, जैसे आपका पंच हो गया। इन सब के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, मार्किंग क्यों की जाती है, मार्किंग क्या होती है और किन किन टूल्स से मार्किंग की जाती है, उनके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद बात आती है हैंड टूल्स। जो भी हैंड टूल्स आप यूज़ करते हैं, सारे टूल्स जो हाथों से चलाए जाते हैं उन सब टूल्स का, स्पिनर हुआ और आपका पाइप रिंच हुआ या कोई भी टूल्स हुआ, उन सबको आपको पता होना चाहिए। आपका पेचकस हुआ वगैरह वगैरह, इन सब टूल्स का बारे में आपको पता होना चाहिए। बात आती है दोस्तों कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स वे टूल्स होते हैं जो कटिंग करने के काम आते हैं, किसी भी धातु को काटने के काम आते हैं, वे सब टूल्स कटिंग टूल्स कहलाते हैं। जैसे आपका हेक्सा हो गया, चीजल हो गया, छेनी वगैरह, आपको सभी टूल्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आती है दोस्तों स्क्रू थ्रेड। थ्रेड्स किस प्रकार बनाई जाती हैं, थ्रेड्स कितने प्रकार की होती हैं, किन पार्ट्स के लिए किस प्रकार के थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है, इनमें मुख्य जो हैं दोस्तों एक में थ्रेड सबसे मुख्य होती है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद आता है सूक्ष्म मापी औजार। तो ये मापी औजार में दोस्तों हमने पहले भी देखा था माप और माप लेने वाले औजार। उसके अलावा आता है सूक्ष्म मापी औजार, जैसे इसमें माइक्रोमीटर आ गया, ये सब आपको मेजरिंग टूल्स का सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों गेज। गेज कई प्रकार के होते हैं, इन सब गेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। गेज की एक एक गेज की अलग अलग डिटेल से आपको उसको पढ़ना है, कौन सा गेज क्या काम आता है, किसमें रीडिंग किस प्रकार ली जाती है। बात आती है दोस्तों पावर ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति परिवहन। तो हमारी जो फिटर ट्रेड है, मशीन इंडस्ट्रीज, इनमें किस ट्रांसमिशन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। ये सब आपको इसमें क्लियर करना है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों हमारा जिग और फिक्सर। जिग एंड फिक्सर क्या होते हैं दोस्तों, पकड़ने वाले औजार होते हैं, इनके बारे में आपको पूरा कंफर्म पता होना चाहिए। लिमिट फिट और इसके अलावा आप जोड़े तो टॉलरेंस आप जोड़ सकते हैं, इन सब का आपको पता होना चाहिए। सरफेस फिनिश, सतहों का फिनिशीकरण जो करते हैं हम, सतहों का प्लेन करना, उन सब के बारे में आपको पूरा डिटेल होना चाहिए। अगला है मशीन की स्थापना और मेंटेनेंस। मशीन की स्थापना करना यानी कि मशीन को सेट करना, मशीन को लगाना, जब मशीन को लगाया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका बेस कैसा होना चाहिए, उसमें किस किस का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से उसको लगाना चाहिए ताकि वाइब्रेशन कम हो, और मशीनों का मेंटेनेंस जो होता है, जैसे प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस हो गया, इसके अलावा मशीनों की देखभाल, रख रखाव, उनमें कब आपको लुब्रिकेंट करना है, कब उसमें ऑयल डालना है, कब उसकी सफाई करनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला आता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों, धातुओं को पिघलाना, जलाना, ये सब करना हीट ट्रीटमेंट कहलाता है, किसी भी प्रकार का आकार देने के लिए। तो हीट ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसका आपको पूरा पता होना चाहिए। इसके बाद आता है धातु मेटल्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप कंप्लीट कर ही लीजिएगा, इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। अगला आ गया दोस्तों पाइप और पाइप फिटिंग। पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। इसमें है कि कोई एल्बो है तो वो किस प्रकार का एल्बो है, कौन सा एल्बो किस प्रकार का होता है, किसके लिए कौन सा पाइप प्रयोग किया जाता है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। लेथ मशीन, लेथ मशीन के जो भी सारे प्रकार हैं वो सब आपको याद होना चाहिए। लेथ मशीन का प्रयोग किस कार्यों के लिए किया जाता है, कौन सी लेथ सबसे स्पेशल है, और दोस्तों इसमें भी जो है
टरेट लेथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि टरेट लेथ से ही अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मास प्रोडक्शन यानी कि अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है, टरेट लेथ का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगली बात आती है मशीन टूल्स की, मशीन टूल्स कौन कौन से होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। बात आती है वेल्डिंग, वेल्डिंग आपको पूरा पता होना चाहिए, वेल्डिंग कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की जाती हैं, किन किन मशीनों का प्रयोग किया जाता है और क्यों की जाती हैं, वेल्डिंग कौन सा जोड़ है, याद होना चाहिए। अगला आता है ब्लैक स्मिथी, ब्लैक स्मिथी होता है दोस्तों लोहार जो कार्य करता है उसके बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए। इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं कई बार। तो दोस्तों आज के में हमने सारे टॉपिक्स देखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार हमें फिर से आपको बता देता हूँ ये सब टॉपिक आपको कंप्लीट होने ही चाहिए। सबसे पहला है परिचय और सुरक्षा, माप और माप लेने वाले औजार, मार्किंग टूल्स, हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स, स्क्रू थ्रेड, सूक्ष्मापी औजार, गेज, पावर ट्रांसमिशन। अगला है जिग और फिक्सर, लिमिट फिट टॉलरेंस, सरफेस फिनिश, मशीन की स्थापना और मेंटेनेंस, हीट ट्रीटमेंट, धातु, पाइप और पाइप फिटिंग, लेथ मशीन, मशीन टूल, वेल्डिंग। ये सब टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। आपको ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, आप UPI एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपके UPI फिटर का, यदि आप ITI कर रहे हैं तो भी, और आप अगर UPI की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप ISRO का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो भी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ITI से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट तुरंत पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी ये नॉलेज पहुँच सके।